हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हनी लाइफ एंड स्टाइल एंड माय सेल्फ हनी। और आज मैं फेशियल करने जा रही हूँ न्यूट्री ग्लो पपाया फ्रूट फेशियल किट से फॉर ब्लेमिसेस फ्री फेयरर कॉम्प्लेक्शन। और इसमें 6 स्टेप को फॉलो करने होते हैं, क्लिंजर, स्क्रब, जेल, क्रीम, पैक और सिरम। तो फर्स्ट स्टेप है डीप क्लिंजर का। तो पूरे फेस पे आपने क्रीम अप्लाई कर लेना है और क्लिंजर अप्लाई करने के बाद हमें वेट करके, मतलब अच्छे तरीके से गीला करके ही अपने पूरे फेस को मसाज देना है और 2 से 3 मिनट तक हमें मसाज देना है। और याद रखें, आप ड्राई में ही इसे ना मसाज दें, उसे अच्छी तरीके से गीला कर लें। पपाया फेशियल किट ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत ही सुटेबल है, बट अगर आपके फेस पे ब्लेमिसेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं और पिगमेंटेशन है तो आपने पपाया फेशियल किट जरूर ट्राई करना चाहिए। पपाया फेशियल किट से पिंपल्स, एक्ने भी रिड्यूस होते हैं, साथ में ये फाइन लाइन रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है। तो आप कोई भी ब्रांड का पपाया फेशियल किट यूज़ कर सकते हो। 2 मिनट के मसाज के बाद आपने वाइप आउट कर लेना है, अच्छे से टॉवल से क्लीन कर लीजिए अपने स्किन को या फिर वाइप से क्लीन कर लीजिए पानी की हेल्प से। सेकेंड स्टेप है स्क्रब का। तो हम क्या करेंगे, पूरे फेस पे स्क्रब को अप्लाई कर लेंगे और फिर से गीला हाथ पूरा करेंगे और गीले हाथों से हमें स्क्रब करना है। याद रखें, अपने पाम का यूज़ नहीं करना है, टिप्स का यूज़ करना है, फिंगर की हेल्प से हमें स्क्रब करना है। तो स्क्रब करने से हमारे डेड सेल रिमूव हो जाते हैं, जो वाइट हेड ब्लैक हेड होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो हमें स्क्रब वीक में 2 बार तो करना ही चाहिए। हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे कि पॉल्यूशन में जाना, बाहर जाओ तो कितने पॉल्यूशन होते हैं, डस्ट होते हैं जो हमारे स्किन पे आकर बैठ जाते हैं, और उसे अगर आप डीप क्लीन नहीं करोगे तो वही धीरे धीरे ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। तो स्किन की केयर करना टाइम से नेसेसरी है। 3 to 4 मिनट स्क्रब करने के बाद आपने फिर से वाइप आउट कर लेना है स्किन को अच्छे तरीके से। थर्ड स्टेप है नरिशिंग जेल। तो आपने इसे भी पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है और हमें 7 to 8 मिनट तक मसाज देना है। और हमें हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना चाहिए कि हमारे फाइन लाइन रिंकल जल्दी ना आए, एज से पहले ना हो, और जो भी फाइन लाइन है वो भी रिड्यूस हो। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा मसाज करें, सर्कुलर मोशन ट्राई करें मसाज करने में। और हाँ, आपको अगर कोई भी नहीं आता है स्ट्रोक्स तो आप मेरे स्ट्रोक्स को फॉलो कर सकते हो, इससे आपको इजी होगा मसाज करने में। तो हमें वाटर यूज़ नहीं करना है, बस हमें मसाज देना है इससे जेल से अच्छे तरीके से। और इसी के ऊपर अब हम 4th स्टेप भी फॉलो करेंगे। तो 4th स्टेप है हमारा पपाया वाइटनिंग क्रीम। तो हमें क्या करना है, इसे भी पूरे फेस पे अप्लाई करना है और नेक से स्टार्ट करना है मसाज करना। नेक से स्टार्ट करते हुए हमें आना है अपने चिन पे, चिन से मसाज करते हुए हमें आना है अपने चिक पे और फिर फोरहेड पे। फ्रेंड्स, आप घर पे भी फेशियल कर सकते हो और आपको 100% रिजल्ट मिल सकता है। बस आपके स्ट्रोक्स अच्छे होने चाहिए, जो भी होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में करो, सर्कुलर मोशन में करो। मैं हर वीडियोस में आपसे यही शेयर करती हूँ कि आप सेल्फ फेशियल भी करो और आपको स्ट्रोक ज़्यादा नहीं पता है तो आप कुछ स्ट्रोक्स ही करो, बट वो सही करो। मेरे चैनल पर आपको सेल्फ फेशियल के भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। ब्यूटी कोर्स, मेकअप कोर्स एंड हेयर स्टाइलिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप घर बैठे ही सब कुछ सीख सकते हो। और आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग ब्यूटी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ये सारे स्ट्रोक्स आपके स्किन पे ग्लो लाता है। अगर आपके फाइन लाइन रिंकल्स हैं तो ये सर्कुलर मोशन में, जो मैं स्टेप्स ले रही हूँ, आप इस तरीके से अगर आप अपने फेस पे अच्छे तरीके से मूव करते हो अपने फिंगर को, तो ये आपके स्किन से फाइन लाइन रिंकल्स को भी बहुत हद तक कम कर देगा। बट आपको बहुत ही अच्छे से देख कर और फिर ये सारे स्ट्रोक्स लेने हैं। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ, तो आपने आराम से करना है। 15 मिनट तक आप मसाज करोगे इससे। और हाँ, मसाज करने के लिए आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हो कि आपका फिंगर आपके फेस पे अच्छे से चले। और तब तक आप मसाज करें जब तक ये सारे क्रीम आपके स्किन पे एब्जॉर्ब ना हो जाए। अब 5th स्टेप है फेस पैक का। तो फेस पैक को भी पूरे फेस पे हमें अप्लाई कर देना है।
तो इस फेस पैक में आप थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसमें आप जब मिक्स करोगे तो ये इजीली आपके फेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो 80% जब ये ड्राई हो जाए तो आपने फिर वाइप आउट कर लेना है। तो अपने फेस को कभी भी डायरेक्ट क्लीन ना करें, पहले उसे थोड़ा गीला कर लें वाइप रहकर इस तरीके से, और उसके बाद अपने फेस को आपने अच्छे से क्लीन करना है। और अगर आप वॉश करते हो फिर भी अपने फेस पे पहले पानी मार लो, उसके बाद फेस को क्लीन करो। तो फेशियल करते समय ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और आपकी स्किन भी हमेशा अच्छी रहती है। और जब आप अपने स्किन की केयर करोगे तो आपकी स्किन तो खूबसूरत लगेगी ही। तो ये लास्ट स्टेप है 6 स्टेप सीरम का। तो पूरे फेस पे आपने सीरम को अप्लाई कर लेना है, ये आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो देगा। तो ये देखिए रिजल्ट। तो मिलते हैं दूसरे न्यू वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय।